ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे कि गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें, कि मतलब कि ये फोटो यार काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूँ गाइस आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी लगेगी। इस चीज़ की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सभी को, बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले ये करना है गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड कर दिया मैंने, ठीक है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको गाइस जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद जो है गाइस आप लोगों को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है, एंड मॉडल को ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे साइज जो है अपने मॉडल का आपको देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है पोजेस वगैरह जो गाइस जरूरी नहीं आप चेयर पे बैठ के फोटो को क्लिक करवाओ, अदरवाइज आपके पास जैसा मॉडल आप उसको वैसा एडिट कर सकते हो, ठीक है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। देन आपको गाइस अपने मॉडल का जो एक डुप्लीकेट बनाना है यहाँ पे, एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको ये रोटेट वाला ऑप्शन पे जाकर एकदम लास्ट वाला ऑप्शन लेना है, एंड उसके बाद आपको सेम इसी पोजीशन में आपको उसको मॉडल को अपने नीचे की तरफ लाना है, एंड उसके बाद गाइस आपको जो यहाँ पे अपने दूसरे मॉडल से इसको टच कर देना कुछ इस टाइप से। एंड गाइस उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मॉडल है वो ज़्यादा मतलब टच ना हो, हल्का सा टच होना चाहिए ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद आपको ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाना है, एंड इसकी जो ओपेसिटी आपको यहाँ पे कम कर देनी है अपने फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है यहाँ पे आपको ज़्यादा इसको कम नहीं करना, अराउंड 20 या 30 तक रख लेना है इसको, ठीक है 20-30 के बीच में, बिकॉज इससे क्या है कि ये मतलब कि थोड़ा विजिबल रहेगा, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है कैट का PNG, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम पे आपको दोनों पे मिल जाएगा, ठीक है टेलीग्राम में आपको पूरी PNG मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है तो आपको जो भी जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप डाउनलोड कर लेना। देन गाइस आपको कैट का PNG लेके गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐड करना है, ठीक है यहाँ पे एंड अपने मॉडल के पास। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कैट का भी एक डुप्लीकेट बनाना है, और सेम चीज़ वही करना है जैसा गाइस आपने अपने मॉडल में किया था, आपको सिंपली इसको भी रोटेट करना है, लास्ट वाला ऑप्शन लेना है एकदम बिल्कुल, ठीक है ये मैंने थर्ड वाला ले लिया था उसको पहले मैं वापस से कर लेता हूँ, एंड लास्ट वाला लेके गाइस आपको सिंपली ऐसे नीचे की साइड में ले जाना है एकदम नीचे की तरफ एकदम एंड में, एंड उसके बाद गाइस आपको इसको भी थोड़ा सा टच रखना जैसे गाइस मैंने अभी आपको बताया था। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद मतलब ये नहीं है कि आपने जो इतना करते हैं उसके बाद जो शेडो वगैरह डाना है, नहीं अभी आपको इसमें और भी चीज़ करना है, ठीक है तो आप लोग पूरा जो है एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अदरवाइज अगर आप मिस करते हो तो यार आप लोग जो मतलब बहुत कुछ मिस कर दोगे यार फोटो में, ठीक है तो स्किप मत करना आराम से देखो। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको गाइस देखिए यहाँ पे इतना हमारा काम हो चुका है तो अभी हम इसको यहाँ पे डन नहीं करेंगे, ठीक है डन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डन कर देंगे तो हम शेडो जो अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे, ठीक है तो अभी गाइस आपको यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है ऊपर गाइस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन बैकग्राउंड का, आपको उसको लेने के बाद यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, इसको करना ऐड, ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे इसका स्क्रीन इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद आपको नीचे की साइड में ले आना है, एंड जाना है इरेजर टूल में, इरेजर टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का जो साइज है उसको आपको छोटा कर लेना है, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे आपको अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद जो है आप सभी को जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए होगी आपको सिंपली इस तरीके से ऐसे पेंट करना है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से पेंट करना है, एंड आपको अपने शूज़ वगैरह जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए वहाँ पे आपको पेंट करना है, ठीक है एंड ये शेडो बनाने के लिए गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि गाइस क्या है ना कि जब हम कहीं खड़े होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन तो नीचे की तरफ आता है मतलब कि बट गाइस इसमें शेडो भी होती है जो कि दिखती है मतलब कि शेडो से पता चलता है कि जो बंदा है वहाँ पर ढंग से खड़ा है, ठीक है तो आपको वहाँ पे शेडो भी बनानी है, एंड आपको शेडो किसी और तरीके से बनानी है तो वैसे ही बना सकते हो आप, ठीक है उसके बाद आपको उसको मूव डाउन पहुँचा देना है बिल्कुल एकदम एंड में, उसके बाद जो इसकी ओपोसिटी आपको वहाँ पर कम कर देनी है, ठीक है इस तरीके से, एंड जब गाइस आप इसको कम कर दोगे तो उसके बाद आपको सिंपली अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है, एंड इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको अपनी फोटो को जो है मतलब यहाँ पे मतलब जो काम है हमारा हो चुका है बट अभी हमें इसमें जो है यहाँ पे फोटो को लेके जाना है यहाँ पे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्राइटनेस इसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जो आपको रिजल्ट में जाना है इसको इन्वर्ट करना है,
ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद साइज को छोटा कर लेना है थोड़ा सा, एंड उसके बाद जो आपको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर डोजन बर्न करना है, यानी कि आपको हल्का हल्का ऐसे पेंट करना है, शाइनिंग डालनी है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपको मतलब लगे कि हाँ यहाँ पे शाइनिंग डालनी चाहिए मेरी फोटो में, तो आपको उस जगह पर डालना है। एंड जैसे कि आप सभी को डिटेल में अगर समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर एकदम प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है एंड आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। अगर आपके पास टाइम होगा इस वीडियो को देखने के बाद तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो जो गाइस हेल्पफुल वीडियो होती है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियो की लिंक मिलेगी सभी हेल्पफुल है, अगर आपके पास टाइम हो वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करना, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे क्या है कि हम इसके ओपेसिटी यहाँ पे बढ़ा देंगे गाइस कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे जो डन वाला ऑप्शन है हम इसको डन कर लेंगे, क्योंकि गाइस अभी तो हमें इसमें कोई चेंजेस करने नहीं है ना। तो अभी गाइस मैं आपको इसको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, मतलब ये अप्लाई करने के बाद हमारी फोटो में कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे गाइस देखें यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बिफोर, ये देखिए, एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो बहुत मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है इस चीज़ से ना, फोटो में बहुत अच्छा लुक आता है। तो अभी इसको हम फिलहाल तो सेव करते हैं एंड इसको कलर करेक्शन करते हैं इसमें लाइटरूम मैप में ले जाकर इसको। तो अभी हमने लाइटरूम मैप को ओपन कर लिया है, तो अब गाइस जाएंगे हम इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस आपको इसको थोड़ा कम कर देना है, मतलब कम नहीं बढ़ा देना है, कम नहीं करना है, ठीक है, कम नहीं करना है। एंड जो हाईलाइट है इसको हल्का सा कम करना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो शेडो दिख रहा है आपको गाइस यहाँ पे, शेडो को जो यहाँ पे इसको आपको हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपको वाइट मिलेगा गाइस, ठीक है, वाइट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर लेना। देन इसके बाद जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा कम कर लेना। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन बढ़ाना है। वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद आप जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जाना कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड जो मतलब कि यहाँ पे येलो कलर है इसमें यार नहीं जाना आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे इधर डार्क ब्लू में चलते हैं, तो डार्क ब्लू में जाने के बाद आपको इसको ह्यू बढ़ा देना है, सैचुरेशन जिसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फेस का जो ल्यूमिनस वो ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ पे कम कर लेते हैं ऑरेंज कलर में जाके। एंड इसको बाद करते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से जाना नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो विग्नेट वगैरह वो अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, ज़्यादा कम मतलब कि जितना आपको डालना है उतना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिले ग्रेन माउंट आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, एंड आपको नोटिफिकेशन बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।